महाराष्ट्र सरकार ने अभिनेता सलमान खान को वाई प्लस ग्रेड सुरक्षा देने का फैसला किया है। यह फैसला हाल ही में लॉरेंस बिश्नोई गिरोह द्वारा कथित तौर पर उन्हें दी गई धमकियों के आलोक में किया गया है। वाई प्लस ग्रेड सुरक्षा कवर के तहत एक निजी सुरक्षा अधिकारी और कमांडो समेत मुंबई पुलिस के 11 सशस्त्र पुलिस कर्मी अभिनेता सलमान खान की सुरक्षा में तैनात होंगे। गौरतलब है कि लॉरेंस बिश्नोई गिरोह द्वारा सलमान को यह धमकी जुलाई में दी गई थी। इसी लॉरेंस बिश्नोई के लोगों ने पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी थी। धमकी सलमान खान के पिता लेखक सलीम खान को एक कागज की चिट पर मिली थी, जिसे कोई व्यक्ति उस बेंच पर छोड़ गया था जहां वो हर रोज सुबह की सैर के बाद बैठा करते थे। इस चिट में लिखा था, सलीम खान, सलमान खान बहुत जल्द आपका मूसेवाला होगा। चिट में दो कोडवर्ड थे, GB और LB। इसका मतलब LB लॉरेंस बिश्नोई और कनाडा स्थित उसके सहयोगी GB मींस गोल्डी बरार के रूप में निकाला गया था। बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई ने कुछ साल पहले भी सलमान को मारने की धमकी दी थी, जब जोधपुर में अदालत की सुनवाई के लिए पेश होने पर पत्रकारों से बात करते हुए लॉरेंस बिश्नोई ने कहा था कि सलमान खान ने एक काले हिरण का शिकार करके बिश्नोइयों की भावनाओं को आहत किया था, क्योंकि यह समुदाय जानवरों के प्रति अपने प्रेम के लिए जाना जाता है। महाराष्ट्र के एक सिंधे भाजपा सरकार ने बताया कि राज्य के गृह विभाग ने सलमान को वाई प्लस सुरक्षा देने का फैसला किया है। वाई प्लस सुरक्षा भारत में प्रदान की जाने वाली उच्च सुरक्षा में चौथे नंबर पर आती है। बता दें कि सलमान खान सालों से अपनी निजी सुरक्षा में है। वह हमेशा अपने बॉडीगार्ड गुरमीत सिंह उर्फ शेरा के साये में रहते हैं, जिसकी किसी सेलिब्रिटी से कम हैसियत नहीं है।